इधर मैं बाबू को कपड़े पहना रही हूँ, बाबू को तैयार कर रही हूँ। इसको नया कपड़ा रोज धोना, रोज पहनेगा, डेली। बहुत पसंद आता है इसको। डूडू खा लिया? हाँ, डूडू खा लिया। ये आलू हीरो लग रहा है तो। बाल झाड़ो, बाल ऐसा बोल रहा है। देखिए देखिए, हीरो लग रहा है मेरे बेटा। ये देखो आजकल के बच्चों का शौक, नया बहन के शीशे में देख रहा है मैं ऐसा लग रहा हूँ। और हम लोग ऐसे ही बस। और ये देखो मेरी मेहंदी, ये मैंने रात को लगाया था और ये दिन में लगाया, तो इतना चढ़ा नहीं है, चढ़ जाएगा। तो भाई मैं बाल बना ली हूँ और साड़ी ये पहन ली हूँ, मैंने तैयार कर दिया है। और इधर इसकी मौसी इसको तैयार कर दी है। इधर देखिए ये कितना क्यूट लग रहा है बाबू। ये साड़ी कैसी लगी आप लोग को बताना जरूर। थोड़ा सा तैयार हो लेते हैं। इधर मैं निकल रही हूँ और पैर छू रही हूँ, इसकी मौसी है ज़बरदस्ती उससे पैर छू रही, वही सब हंस रहे हैं। इधर मेरे भांजा भतीजा है, उसको पप्पी ले रही हूँ। और इधर मम्मी है। इतना भी हो, मायके से आने में थोड़ा इमोशनल तो होते हैं, लेकिन क्या करें। मैं तो गाड़ी में बैठती हूँ तब मेरे को बहुत रोना आता है, ऐसे मैं मम्मी के सामने रोती नहीं, फिर मम्मी भी इमोशनल हो जाती है। और ये मेरे पापा हैं, मैं पापा का पैर छूया। और ये मेरी सिस्टर है।
अब जा रही हूँ, उधर गाड़ी खड़ी है उस बैठने। बाबू को तो इतना जल्दी था, वो पहले ही बैठ गया है, पहले ही बैठ गया। उसको चलो नी चलो अपने घर चलो, सबसे रट लगा रखा था। फाइनली वो दिन आ ही गया, मैं जा रही हूँ घर। भैया क्या करें यार, इमोशनल तो हो ही जाते हैं। मायका ससुराल जिनकी शादी होती है उनको पता है, इधर सब बाय कर रहे। तो मम्मी को हमेशा समझाती हूँ कि रोया मत करो, क्या होता है फिर कितना दिन रखोगी अपने पास मुझे। अपने मैं अपना चार्जर भूल गई, अभी भैया लेके आएंगे। और इधर रास्ते में रुकी हूँ, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा, बाप रे बहुत गर्मी है, गर्मी में एकदम हालत ख़राब हो रहा है। तो गैर मैं पहुंच गई अपने घर, ज़्यादा दूर नहीं है, 15-20 मिनट ही लगता है, और जस्ट पहुंची हूँ। और ये देखिए मेरे रूम का हाल, अभी मुझे एक दिन मेहनत करना होगा, पूरी साफ सफाई करनी होगी, क्योंकि मैं चली जाती हूँ फिर रूम में कोई रहता नहीं, तो बंद ही रहता है। और ये देखिए मेरा सूटकेस आ गया, तो यही सब निकाली हूँ, नया बेडशीट लगाती हूँ और थोड़ा बहुत सफाई कर लेती हूँ, फिर सुबह करूँगी। और पता ही अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, अपना घर है, आ जाएंगे। उत्तर मायके में कितने दिन रहेंगे, और ये देखिए मैं हूँ। सब साफ करना है, तो थोड़ा बहुत साफ कर लेते हैं, तब मिलते हैं। हाँ गाइस देखिए इतना तेज हवा चल रहा है, सच में जो प्राकृतिक हवा होती है ना, इन पेड़ों की हवा, वो एसी कूलर ये सब क्या कर देगी। जैसे मैं पहुंची उसके 10 मिनट ही नहीं हुए होंगे, और इतनी तेज तूफान जैसा आ गया ना, बिल्कुल काले काले बादल, और हवा बहुत तेज चल रही थी, बहुत गर्मी लग रही थी। लेकिन अभी देख जो मतलब प्राकृतिक हवा है ना, उसकी बात ही अलग होती है, एकदम ठंडा ठंडा हवा चल रहा था और घने बादल एकदम छाए थे, पर बारिश हुई नहीं। हम सोचे थे बारिश हो जाएगी, पर देखिए ना कितना बादल छाया, पर ये बूंद भी नहीं बरसे। तो सब लोग वेट कर रहे हैं बारिश तेज हो जाए तो धान की रोपाई शुरू करें, पर लगता नहीं कि होगा। ओके गाइज, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बाय।